सो हेलो, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखो, आज एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ मैं काइगर के साथ। रेनो की चाहे ड्राइवर हो चाहे काइगर हो, उन दोनों में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। देखो, जो ये चीज़ है ना, जो हमारा डैशबोर्ड का सिस्टम ये है, आप देखो स्पेस देखो, शीशे का और डैशबोर्ड का स्पेस ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, राइट। यहाँ पर आप देखोगे आपको बहुत स्पेस मिलता नहीं है। ये वाली बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि सपोज़ अगर आपके पास कोई टॉप मॉडल नहीं है या आपने कोई वीडियो स्क्रीन नहीं लगा रखी है, टच स्क्रीन नहीं लगा रखी है यहाँ पे, तो उस सिनेरियो में अगर आपको मोबाइल यूज़ करना हो मैप्स के लिए, नेविगेशन के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए, तब आपको क्या यहाँ पर कोई मोबाइल होल्डर लगाना चाहिए? तो देखो, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि मत लगाना। इसमें तो ट्राइबर के मुकाबले भी कम स्पेस है, क्योंकि इसके शीशे की जो पोजीशनिंग है वो ऐसी है कि आपको डैशबोर्ड पे ज़्यादा कुछ रखने को मिलेगा नहीं। देखो, कोई स्पेस उतनी है नहीं। मैंने ये आदि योगी जी की मैंने ये जो छोटी सी जो सबसे छोटी स्टैचू मंगवाई थी मैंने ये ईशा फाउंडेशन से, उनका भी बस सर से ऑलमोस्ट कितना, एक आधा सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा बस। यहाँ देखो स्पेस नहीं है उतनी, तो मुझे बहुत संभाल के इनको साफ करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं यहाँ कोई मोबाइल होल्डर लगा लूँगा ना, तो मेरा व्यूइंग एंगल ना एकदम रुक जाएगा। अगर आप देखोगे व्यूइंग एंगल में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। एज अ ड्राइवर अपने आप को इमेजिन करो और आप देखो कि आपका तो सारा एंगल रुक गया, राइट। तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ, आप बोलोगे कि हम तो ऊपर वाला जो मोबाइल होल्डर है वो लगा सकते हैं, साइड वाला लगा सकते हैं। तो देखो, जो इसका ए पिलर है ना, ये ब्लाइंड स्पॉट है एक तरीके का, होता है जिनके पास काइगर है। आप जब मोड़ोगे ये वाला और उधर वाला भी, ये जो दोनों ए पिलर्स हैं, यहाँ पर आता है कि हल्का सा आपको पीछे या आगे होके देखना पड़ता है कि वहाँ पे कोई खड़ा तो नहीं है मोड़ने से पहले। ऑलरेडी ये हल्का सा ब्लाइंड स्पॉट का काम करता है, और यहाँ पर अगर मोबाइल होल्डर लगा लेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये मेरा ओपिनियन है, मैंने क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पर मुझे मिल रखा है पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम, सब कुछ मिला हुआ है। बट स्टिल मैंने एक बार इनिशियल जब नई नई ली थी, मैंने यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर लगाया था कुछ दिनों के लिए, बिल्कुल भी कन्वीनियंस मुझे नहीं फील हुई। मुझे ऐसे ऐसे करके झुक झुक के मुझे वीडियो कह रहा हूँ, मुझे गाड़ी चलानी पड़ी, बहुत प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे। तो आप कौन सा मोबाइल होल्डर लगाओ, काइगर के अंदर मैं बात करूँ तो देखो, या तो आप एसी वेंट में जो लगने वाले आते हैं आप वो लगा सकते हो। अगर आपको यहाँ नहीं लगाना है और अगर आपके पास वीडियो स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है, ओनली इन दैट सिनेरियो में आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आपको मोबाइल होल्डर लगाना हो तो आप यहाँ वाला लगा सकते हो जो इधर लगता है। आप डैशबोर्ड पे प्लीज़ कुछ मत लगाना, बिना बात का जो आपका व्यूइंग एंगल है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो गाड़ी चलाने का जो मज़ा है ना वो अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो बस उस डिस्कम्फर्ट को हटाने के लिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जो एसी वेंट वाले होते हैं वो, और अगर नीचे कोई मैग्नेटिक वाला कहीं, जैसे यहाँ पर हो गया कहीं ऐसे आप लगा सकते हो, तो आप उसको लगा लो। जैसे जो डैशबोर्ड पे हम वो मैग्नेटिक वाले आते हैं ना, जो ऐसे लग जाते हैं और इनका मैग्नेट हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं, अगर कोई इस टाइप वाला आपके पास ऑप्शन है तो आप वो लगा लो, एसी वेंट वाला है वो लगा लो। बट यहाँ पे मोबाइल होल्डर को अवॉइड करना, चाहे डैशबोर्ड हो चाहे आपका शीशा हो, राइट। तो जो आज की वीडियो थी वो मेरे इसी टॉपिक के ऊपर थी। ये मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, बाकी देखो चॉइस आपकी है, लगा के देखो, कंफर्टेबल लगता है तो प्लीज़ बी माई गेस्ट, कंटिन्यू रखो अपनी ड्राइविंग को। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वाकई में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो नीचे लगा लो। ये तब बता रहा हूँ जब हमने स्क्रीन नहीं लगानी किसी प्रकार की, ओके। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक ड्राइव सेफ, चेहरे पर स्माइल रखें, बाय बाय।